किसे पता था घूमने निकले भाई की गोली मार कर हत्या कर दी जाएगी। घर वालों को हर दिन की तरह अपने बेटे का इंतजार था, लेकिन किसने सोचा था कि उनका बेटा अब कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। दिनेश अपने भाई के साथ घूमने के लिए घर से निकला था। इस दौरान संदीप और दिनेश के बीच पुरानी रंजिश के चलते झगड़ा हो गया। झगड़ा होता देख पीड़ित के पिता भी मौके पर पहुंचे, जिनके साथ भी उन्होंने गाली गलौज की। मौके पर महेश के परिवार के दो और सदस्य भी पहुंच गए। इस दौरान महेश उर्फ सुधा ने पीछे से दिनेश की छाती में गोली मार दी और सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। गोली लगने से दिनेश की मौत हो गई। वहीं पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल भेज दिया है। सकूल के पास घूमने के जा रहे थे, उधर से महेश और सुधा और उसका भाई संदीप दोनों आकर वहाँ से गाली गलौज देने लगे। बल मेरे पापा को उन्होंने गाली दी है, तो उसके वजह से उन्होंने पहले फिर जब दिनेश के पीछे से छाती में गोली मारी। किसने गोली मारी? मोहन सुधा ने, महेश ने, सुधा ने। अच्छा, चार लोग शामिल हैं। बाद में उसके घर वाले भी सबरे आ गए थे। बता दें कि मृतक दिनेश के खिलाफ दूसरे पक्ष की तरफ से मारपीट का भी मुकदमा दर्ज था, जिसमें उसकी गिरफ्तारी होनी थी। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस का कहना है कि अभी उन्हें पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलते ही मामले में उचित कार्रवाई कर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। समाचार प्लस के लिए पलवल से ऋषि भारद्वाज की रिपोर्ट।